हम में से सिर्फ बहुत सारे लोग हैं जो कई बार गुस्से गुस्से में किसी को इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद या फिर कुछ महीनों बाद हमें रियलाइज होता है कि नहीं यार, अब उस पर्सन को अनब्लॉक कर देना चाहिए। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि यार अनब्लॉक कैसे करना है। लिटरली हमें मतलब ऐसा ब्लॉक करना तो बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम लोग 3 डॉट्स पर क्लिक करके और ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन अनब्लॉक करने का प्रोसीजर बिल्कुल डिफरेंट होता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि आप लोग किस तरीके से इंस्टाग्राम पर किसी को ब्लॉक अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग किसी को भी अनब्लॉक कैसे कर सकते हो, और अनब्लॉक की पूरी लिस्ट कैसे देख सकते हो कि आज तक कितने लोगों को अनब्लॉक करा हुआ था या फिर करा हुआ है आपने इंस्टाग्राम पे। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वीडियो को अभी से कर दो लाइक, क्योंकि आप लोग आगे लाइक करना भूल जाते हैं। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन ये है कि जैसे ही आप ब्लॉक लिस्ट चेक करोगे तो उसमें आप लोगों ने कितने लोगों को ब्लॉक कर रखा था, तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष पर यूट्यूब चैनल। So without wasting your time, let's get started. So guys, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ और ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट है। ऐसे फॉलो वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि हम थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह अपलोड करते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा शुरू में अपना प्रमोशन भी कर लिया जाए। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग किस किस तरीके से लोगों को ब्लॉक कर सकते हैं। पहले हम लोग ये तरीके सीखते हैं कि मतलब ब्लॉक करने के कितने तरीके हैं इंस्टाग्राम पे। तो पहला तरीका तो ये कि आप किसी को भी सर्च करके ब्लॉक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ किसी भी सेलिब्रिटी को। अगर आप उनके फैन है तो ऑफेंड ना हो, मेरा उनसे ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट हम लोग रैंडमली सर्च कर रहे हैं और ब्लॉक कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे सर्च करा हम लोगों ने, और हम लोग सिंपली 3 डॉट्स पे क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो करेंगे जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है दे वॉन्ट बी एबल टू मैसेज यू और फाइंड यूर प्रोफाइल पोस्ट और स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम, दे वॉन्ट बी नोटिफाइड दैट यू ब्लॉक देम। यानी कि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि आप लोग उनकी फिर मतलब जो सामने वाला पर्सन है जिन्हें आप ब्लॉक करेंगे, वो आपकी ये सारी चीज़ें प्रोफाइल फोटो वगैरह नहीं देख पाएंगे, आपको इंस्टाग्राम पे ढूंढ नहीं पाएंगे, एंड साथ ही साथ उनको नोटिफिकेशन भी नहीं जाएगा। तो ये ऑप्शन ज़रूरी इसलिए, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैंने किसी को ब्लॉक करा तो क्या उसे पता लग जाएगा। जी नहीं, उसे पता नहीं लगेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ पे 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। पहला ऑप्शन है ब्लॉक -- जो भी यूजर नेम है एंड न्यू अकाउंट दे मे क्रिएट। यानी कि आप लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन को अगर सिलेक्ट करा तो क्या होगा कि इन फ्यूचर अगर सिमिलर अकाउंट ऐसे क्रिएट हुआ तो वो भी ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। एंड अगर आप लोग सेकेंडरी को सिलेक्ट करते हो तो सिंपली वही अकाउंट ब्लॉक होगा। तो हमने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। ऐसे हम लोग 2-3 लोगों को यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं। किसी को भी सर्च कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, हाँ जी, तो ये सर्च कर लिया हम लोगों ने, इन्हें भी हम ब्लॉक कर देंगे। और यहाँ से भी हमने इन्हें ब्लॉक कर दिया, ठीक है। 1-2 सेलिब्रिटी या फिर किसी को ब्लॉक कर देंगे। मेल में कैसे कर रहे हैं हम लोग, इन्हें भी ब्लॉक कर देते हैं हम। ये ब्लॉक कर दिया हम लोगों ने, और यहाँ पे इन्हें भी हम ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। 4-5 लोग हो गए, बहुत हैं, इससे ज़्यादा हम ब्लॉक नहीं करेंगे। ये ब्लॉक कर दिया है ना। ये तो ऐसा तरीका होगा कि हम लोग सर्च में जाके किसी को ब्लॉक कर सकते हैं। अब मैं आपको और भी तरीके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप किसी से चैट कर रहे हो और उसने आपका दिमाग ख़राब कर दिया है, तो आप लोग सिंपली ऐसे चैट में जा सकते हो और यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे आई का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। आई का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे आपको ब्लॉक का ऑप्शन मिलेगा, आप ब्लॉक कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप चैट वैट डिलीट करना चाहते हो। अगर आप चैट डिलीट करना चाहते हो आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं इसे ब्लॉक रखूँ लेकिन मेरे पास चैट पड़ी रहे ताकि कुछ आपके पास ऐसे एविडेंस पड़ा रहे, या फिर ऐसे कि नहीं मुझे यादें पड़ी हैं चैट की, काफ़ी लोगों को ऐसे यादों की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप रख सकते हैं। बाकी अगर आप डिलीट करना चाहें चैट को, तो चैट को भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने ब्लॉक कर दिया है, चैट को डिलीट नहीं करा है। तो हम लोग इस तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं। एक और तरीका बता देता हूँ, आप लोग यहाँ से भी जाके ऐसे प्रोफाइल में जाके और यहाँ से भी ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे मैं अभी इन्हें अनब्लॉक कर देता हूँ, मतलब मेरा ही अकाउंट है, मेरा मीम वाला अकाउंट है। यहाँ से 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ से भी हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं ब्लॉक करने के। अब हम लोग जानते हैं कि ये सारे ब्लॉक लिस्ट हमें कहाँ देखने को मिलेगी, और अनब्लॉक करने के भी 2 प्रोसेस होते हैं, वो भी हम जानेंगे। तो हम लोगों को सिंपली क्या करना है कि पहले तो यहाँ पे जाना है प्रोफाइल वाले ऑप्शन में, उसके बाद हमें क्लिक करना होगा सेटिंग्स में। ये हमने सेटिंग्स में क्लिक करा, उसके बाद हमें जाना होगा प्राइवेसी वाले ऑप्शन में। प्राइवेसी वाले ऑप्शन में हम लोग यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ जैसे हम स्क्रॉल करेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा ब्लॉक्ड अकाउंट्स, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे सारे लोग दिखाई देंगे जिनको हमने ब्लॉक कर रखा है, पूरी की पूरी लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। जैसे कि अगर आपने ऐसे इन फ्यूचर या फिर बहुत पहले किसी लोगों को ब्लॉक कर रखा होगा और आप भूल गए होंगे, उनकी भी यहाँ पे आपको लिस्ट दिख जाएगी। तो आप ऐसे देख सकते हो कि ये इन लोगों को मैंने यहाँ पे ब्लॉक कर रखा है, पूरी लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक प्लस का आइकन दिखाई देगा, मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। यहाँ पे आपको कुछ सजेस्टेड लोग होंगे जो आपके फेसबुक फ्रेंड हो सकते हैं। लाइक अगर आपने फेसबुक से कनेक्ट कर रखा है अपने इंस्टाग्राम को और आप चाहते हो कि वो आपको देख ही नहीं पाए मतलब इंस्टाग्राम पे, तो आप डायरेक्टली यहीं से ब्लॉक कर सकते हो। ब्लॉक का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाता है,
आप कर सकते हो ब्लॉक। तो जस्ट मैंने सोचा ये ऑप्शन भी आपको बता दूं, अगर आपने फेसबुक कनेक्ट कराया तो ये आपको ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहाँ से आप लोग चाहें तो लिस्ट के हिसाब से भी अनब्लॉक कर सकते हैं। जैसे मैं अनब्लॉक कर दूंगा इन्हें, है ना, इन्हें भी मैंने अनब्लॉक कर दिया है और इन्हें भी मैंने अनब्लॉक कर दिया है, ठीक है, और इन्हें भी मैंने अनब्लॉक कर दिया है। अब मैं मेरी जो मीम वाला अकाउंट है उसको रहने दूंगा यहाँ पे। हम लोग इसको जानेंगे कि डिफरेंट तरीके से हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को प्रोफाइल वाले ऑप्शन में आना है। तो अगर हमने चैट को डिलीट नहीं करा है तो हमें यहाँ पर डायरेक्टली अनब्लॉक का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने अनब्लॉक कर दिया, ठीक है, ये अनब्लॉक तो हो गए। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर हम लोग आई वाले ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से ब्लॉक कर देते हैं, ये हमने ब्लॉक कर दिया इस तरीके से, और चैट को भी डिलीट कर देते हैं, तो हमें सेम वही वाला प्रोसीजर अपनाना होगा। यानी कि हम लोगों को सेटिंग्स में जाके, प्राइवेसी वाले ऑप्शन में जाके, ब्लॉक्ड अकाउंट वाली लिस्ट में से जाके अनब्लॉक करना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा अगर आपने चैट्स को डिलीट कर दिया है। अगर चैट्स को डिलीट नहीं करा है तो डायरेक्टली आप लोग चैट वाले सेक्शन से ही उन्हें अनब्लॉक कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे इंस्टाग्राम पे ब्लॉक अनब्लॉक करने के। तो आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो अगर आप लोग ऐसी और वीडियोस को फ्यूचर में देखना चाहते हैं इंस्टाग्राम से रिलेटेड, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दो ताकि फ्यूचर में मैं ऐसी और वीडियोस डालूं तो आप लोग मिस ना करें।